से 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की छानबीन के साथ ही साथ अब शुरुआत हो चुकी है और छानबीन के साथ ही साथ इस पूरे जाल के खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से पूर्व विधायक बीजेपी के चंद्र प्रकाश शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जानकारी कि 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में कितने तक का गबन किया गया है? देखिए प्रियंका, ये रियल एस्टेट से जुड़ा मामला है और रही बात पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला की, तो ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 2017 से 2022 तक बस्ती जनपद की कप्तानगंज सीट पे ये भाजपा के टिकट पर विधायक हुए थे। इन पर आरोप है कि चुनाव के दौरान इन्होंने रियल एस्टेट कंपनी के खाते से करोड़ों रुपए निकाल लिया और जो चुनाव लड़ा 2017 में तब इन्होंने निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कंपनी का जो अकाउंट था वो सिंगल ऑपरेशन में था क्योंकि खाते का लेन देन चंद्र प्रकाश शुक्ला ही करते थे। इन पर इसाफे की एफआईआर दर्ज की गई है कि इन्होंने करोड़ों रुपए अपने खाते में भी डाल लिया, अपनी पत्नी के भी खाते में डाला और अपने भाई दीप चंद शुक्ला के खाते में भी करोड़ों रुपया जो है रियल एस्टेट की कंपनी पे डाल दिया है। अब संतोष सिंह नामक व्यक्ति ने, जो निदेशक खुद को बता रहा है, उसने लखनऊ थाने की गुडम्बा थाने में एफआईआर कराई है। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर हुई है, 419(b)(1)(a)(71), इसके अलावा जान से मारने की धमकी का भी मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, तो अब इस पूरे मामले में जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, जानकारी है कि चंद्र प्रकाश शुक्ला के अलावा भी 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो इन तमाम लोगों को लेकर क्या कुछ जानकारी है? अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मतलब क्या है कि तमाम पूरे नेक्सस और साथ ही साथ ऑफिस में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें चंद्र प्रकाश शुक्ला जो पूर्व विधायक हैं, इनके साथ इनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर है, इनकी बेटी के खिलाफ है और इनके भाई के खिलाफ है। इसकी ऐसे ही 14 लोग नामजद हैं और 10-15 लोग जो है अज्ञात हैं। तो कुल मिलाकर के जो उसमें एफआईआर में जो दिया गया है उसके अनुसार हम बात करें तो करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास का ये मामला वो जो सामने आया है, इस तरह के आरोप है। इसके अलावा कंपनी की फॉर्चूनर गाड़ी और 2 नेक्सॉन गाड़ी भी उठा ले जाने का आरोप जो है भाजपा नेता चंद्र प्रकाश शुक्ला पर लगे हैं। तमाम और ऐसे जालबाजी के आरोप है। बहरहाल ये छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये नेक्सस कितना बड़ा है, कंपनी की आड़ में किस तरह का घोरक धंधा किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात है, ये पूर्व विधायक खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मास्टरमाइंड हैं लेन देन के, और इन पर इस तरह का आरोप लगा है कि निदेशक का पद से इस्तीफा देने के बावजूद इन्होंने अपनी पत्नी के खाते में, अपने भाई के खाते में और अपनी बेटी के खाते में, जो रियल इस्टेट की कंपनी है, टाइम इस्टेट करके ये कंपनी का नाम है, उसके खाते से इन्होंने अपने परिवारजनों के अकाउंट में पैसा बड़ा अमाउंट ट्रांसफर। जी बिल्कुल अनिल, अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो क्या लग रहा है मामले की जांच को लेकर कितनी जल्दी आगे कार्रवाई बढ़ सकती है और क्या आने वाले समय में जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए प्रियंका, जिस तरह का आरोप है उसमें जो है आजीवन कारावास तक की सजा है, क्योंकि 419(b)(1)(a)(71) की जो धारा लगी हुई है ये संगीन अपराध की श्रेणी में आती है और अगर पुलिस को जिस तरह का आरोप लगाया गया है उसका अगर साक्ष्य मिलता है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा नेता और पूर्व विधायक जो है चंद्र प्रकाश शुक्ला, उनके भाई दीप चंद शुक्ला, उनकी पत्नी और उनकी बेटी सहित जो 14 नामजद हैं और 10-15 अज्ञात व्यक्तियों को जेल भी जाना पड़ सकता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में अब जब इस बात का खुलासा हुआ है लंबे समय, क्योंकि 2022 की आप बात कर रहे हैं और उसके बाद 2024 तक का ये मामला इसी तरह चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में एफआईआर कराने में इतनी देरी क्यों की गई, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए जाहिर सी बात है 2017 से 2022 तक ये विधायक रहे तो जाहिर सी बात है कि इनका रफूक था और जो एफआईआर कराई है इनके साथ ही वो कंपनी में डायरेक्टर रहा है, हालांकि इन्होंने आप डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है रियल एस्टेट की कंपनी से, लेकिन इससे तो एक बात जाहिर है किस तरह से पैसे के लेन देन का गोलमाल होता रहा है। अभी तक पिछले 7 सालों से करोड़ों रुपए का घपले का
जो मामला प्रताप में आया है ये बंदरबांट में हो सकता है कि आपसी झगड़ा हुआ हो, फिर उसके बाद ये अब पीछा लेदर सड़क से हो रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द खुल करके पुलिस की जांच में सामने आएगा। जी बिल्कुल एनालिस्ट, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।